दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं सीधी वर्क सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है क्या काम करती है, बिजनेस क्या, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निवेश कर सकते हैं नहीं, सो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो के अंदर जरूर देखेंगे, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सीजी वाग सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी जो बिजनेस ओवरव्यू है, कंपनी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो यहाँ पर हम जो है जानेंगे, कंपनी कैश फ्लोज यहाँ पर करंटली किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर हमें किस तरह का ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो कंपनी के अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सीजी वर्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड जो भी सर्विस होती हैं, एक्सपोर्टिंग का काम जो है मोस्टली जो यहाँ पर अब्रॉड के अंदर जो है कंपनी काम करती है, और उसके थ्रू जो है यहाँ पर कंपनी जो है अपना मेन जो है बिजनेस लाइनअप करती है। कंपनी का मेन जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर तमिलनाडु कोयम्बतूर के अंदर भी जो है यहाँ पर कंपनी का जो ऑफिस है वो यहाँ पर हमें सिचुएटेड देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट अगर हम यहाँ पर कोई और भी चीज़ों के ऊपर धीरे अगर फोकस करना चाहें तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी जो बिजनेस है वो यहाँ पर यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर भी जो है सिचुएटेड है, कंपनी ऑफिस लाइनअप भी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है कंपनी है सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो है वो यहाँ पर हमें जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी करंटली मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 205 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में यहाँ पर शेयर ट्रेडेड होते देखने को मिल रहा है, 407 रुपये और 459 रुपये इसका हाई प्राइस, 278 का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। माइक्रो कैप स्टॉक जो है यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं ROC 31.6% का है जो कि काफ़ी अच्छा, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट इज 25.2%। डेट ना के बराबर ही है 3.81 करोड़ रुपीज़, सो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का यहाँ पर हाई प्राइस 459 और 278 का लो प्राइस देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू भी अच्छी 106 रुपये की यहाँ पर बुक वैल्यू, तो उसके हिसाब से देख तो ऑलमोस्ट 3.7 टाइम्स जो है यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहें तो यहाँ पर हम पिछले चार क्वार्टर के अगर नंबर देखते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट काइंड ऑफ जो है हाईएस्ट एवर की जो पिछले दो क्वार्टर्स के जो नंबर हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर एज वेल एज मार्च के अंदर 20.83 करोड़ का रेवेन्यू, और यहाँ पर अभी जो मार्च के क्वार्टर्स के नंबर आए थे उसमें भी 20.02 करोड़ के जो कंपनी जो रेवेन्यू के नंबर हैं वो देखने को मिले हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर यहाँ पर देखने जाएँ तो यहाँ पर जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले चार क्वार्टर की अगर देखते हैं 3 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, और यहाँ पर मोटा मोटी जो है यहाँ पर 12 करोड़ का जो कंपनी का पेट है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट अगर मैं यहाँ पर 17 के PE पे जिस तरह शेयर ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यूएशन मिल रहा है वो काइंड ऑफ जो है जस्टिफाइड जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो कंपनी 12 करोड़ का जो कंपनी नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, अगर यहाँ से जो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर सिर्फ 15 करोड़ भी होता है, डेफिनेटली यहाँ पर स्मॉल केस बिजनेस है, तो यहाँ पर जो अगर 12 से 15 करोड़ तक की भी यहाँ पर कंपनी ग्रोथ आती है, और यहाँ पर अगर सिर्फ 15 के PE पर भी यहाँ पर करंटली 17 के PE पर शेयर ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पर 15 के PE पर भी शेयर ट्रेड करना चालू करे तो यहाँ पर 225 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो आ जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते तो 10% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें आसानी से जो है देखने को मिल सकती है, अगर ये जो चीज़ है वो जो ये जो आपको जो लाइनअप बता रहा हूँ वो अगर यहाँ पर फॉलोअप होते हुए देखने को मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मेजोरिटी यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है 53.87%, और पब्लिक के अंदर भी जो 46.14% जो निवेश है उसके अंदर से 12% का जो निवेश है वो यहाँ पर हमें जो है बड़े लोगों द्वारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिटेल के पास भी यहाँ पर जो है मोटा मोटी 30% के आसपास जो निवेश है वो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है, माने कि 60 करोड़ के आसपास का जो यहाँ पर लिक्विड फ्लो है वो यहाँ पर हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो है देखने को मिल रहा है। कंपनी कैश फ्लोस देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर कंपनी का जो नंबर है वो यहाँ पर हमें 12 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पर पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ लग रही है। अदर देन दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी ने
जो है इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कंपनी ने 6-4.5 करोड़ के आसपास जो है कंपनी यहाँ पर परचेज किए हैं, और फिक्स एसेट्स भी यहाँ पर कंपनी ने 1.5 करोड़ के आसपास खरीदे हुए हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर देखने जाए तो कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड पे किया है यहाँ पर 50 लाख रुपये का, और इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कंपनी ने जो डेट है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 50 लाख का जो डेट है वो भी पे किया हुआ है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी का यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर 3.81 करोड़ रुपीज़ के आसपास का जो है देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से जो कंपनी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर रही है। 5 साल का हाई प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया 459 का हाई प्राइस, और यहाँ पर लास्ट सेशन के अंदर ही यहाँ पर हमें जो है शेयर जो है टूटते हुए देखने को मिला 8.31% के साथ में 406.6 पर। सो क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर जो है निवेश करना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर अगर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जो है स्कोप लेना चाहते हो आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी का स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर ऑफशोर बिजनेस जो है करती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर आप जो है देख सकते हो, वॉचलिस्ट में भी जो है यहाँ पर आप डाल सकते हो। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या फिर कंपनी रिजल्ट सिस्टर चाहते हो उसको देख कर भी यहाँ पर आप जो अपना जो डिसीजन है ओवर लॉन्गर पीरियड टाइम यहाँ पर आप जो है दे सकते हो। यहाँ पर जो है 406.6 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 22 रुपये का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स अगर यहाँ पर स्लोली स्टडली आती रहती है कंटिन्यूस बेसिस पर, तो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा खासा जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें शेयर के प्राइस के अंदर भी जो है रिफ्लेक्ट स्लोली स्टडली होते हुए देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आप आपको सीजी वर्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।